हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे परफेक्ट सॉफ्ट इडली कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं क्या चाहिए इसके लिए। मैंने एक कप उड़द दाल लिया और उसी कप में 3 कप कच्चा चावल लेंगे। और लेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। अच्छे से पानी से धो के 6 घंटा भिगा के रखेंगे। 6 घंटा बाद ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अभी हम इससे पानी निकाल के ग्राइंड करेंगे। पहले 1/2 कप पानी डाल के उड़द दाल को ग्राइंड करना है। फिर ग्राइंड करके इसे एक बर्तन में रखेंगे। फिर ग्राइंड करेंगे चावल को। चावल थोड़ा आधा ग्राइंड होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप कुक्ड राइस। ये राइस डालने के बाद क्या होता है, बहुत इडली सॉफ्ट बनता है। पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दानादार रखना है। तो सारे हम बैटर को एक बर्तन में रख के 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हम 12 घंटा के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। कुकर में पानी रखा गर्म होने के लिए इडली स्टैंड को तेल लगा लेंगे। 12 घंटे के बाद देखिए इडली का पेस्ट कितना अच्छे से फूल गया। इसे मैंने ढक के रखा था, तो आप भी इसी तरह रखिए तो आपका भी बहुत अच्छा सॉफ्ट इडली बनके तैयार होगा। अब बैटर कितना फ्लॉपी हो गया, अब हम इसे दूसरे बर्तन में आधा निकाल लेंगे। अब और 1/2 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। मिला के इडली स्टैंड में पोर करेंगे। एक एक करके सारे स्टैंड में बैटर डाल लेंगे। डालने के बाद कुकर में इसे हमें स्टीम करना है। अब इस इडली स्टैंड को हम कुकर में बैठाएंगे। देखिए कुकर का पानी बॉईल होने लगा, तो अब हम डालेंगे। डाल के 5 मिनट कुक करेंगे। हमने कुकर में सीटी नहीं लगाएंगे। मेरा ये छाचा बहुत ही पतला है, इसलिए 5 मिनट हो जाएगा। आपका छाचा अगर थोड़ा डीप है तो उससे 7 से 8 मिनट लगेगा। 5 मिनट हो गया, हम कुकर की ढक्कन खोल के देख लेते हैं। इडली में एक चाकू डाल के देख लेते हैं। देखिए चाकू क्लीन निकला है, इसका मतलब इडली हो गया। अब हम स्टैंड को बाहर निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये इडली थोड़ा ठंडा हो गया, इसे हमें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनके तैयार है। आप भी इस तरह घर पे बनाइए। तो आज मेरे इस रेसिपी कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।